युवा एंटक जिला शहर के द्वारा पूर्व मंत्री राजेश मूरत का नेहरू चौक में पुतला दहन किया गया। युवा एंटक के शहर अध्यक्ष नोमेंद्र साहू ने बताया कि राजेश मूरत के द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग एवं गाली गलौज पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को दिया, जिसका युवा एंटक शहर बिलासपुर घोर निंदा करती है और पूर्व मंत्री के द्वारा इस तरह के व्यवहार का विरोध करती है और तथाकथित नेताओं का युवा एंटक हमेशा विरोध करती रहेगी। वहीं युवा एंटक ने ये भी कहा कि पूर्व मंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और न ही किसी तरह के अश्लील शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जिससे उनकी खुद की छवि धूमिल हो, क्योंकि ये मामला गंभीर है और प्रदेश की जनता भी पूर्व मंत्री के शब्दों के खिलाफ बोल रही है। इसलिए सरकार से मांग की जा रही है कि ऐसे भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। पुतला दहन था, किस लिए, क्या है? देखिए, क्या है, प्रदेश के पूर्व मंत्री रह चुके जनता मंत्री भारतीय जनता पार्टी के राजेश मूरत जी है, मगर जो पुलिस बल उनके साथ 15 साल के साथ उनका काम साथ किया, वही मूरत जी आज पुलिस के खिलाफ पुलिस को खड़े चौक में गाली भरे। इसके एक दिवसीय विरोध में हम लोग को नहरू चौक में पुतला दहन किया गया है। ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द अपने पद से गरिमा से इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए कि ऐसे अगर बोल आपके रहेंगे तो ये प्रदेश आपके लायक नहीं है, इस प्रदेश को छोड़कर आप दूसरे प्रदेश में जा सकते हैं। नाम बताएंगे सही बारे में क्या बताइएगा? आज का पुतला दहन जो राजेश मूरत जी ने पुलिस विभाग को असभ्य शब्द का प्रयोग किया, उसके खिलाफ ये पुतला दहन का कार्यक्रम हमने किया। क्या आप लोग का विरोध प्रदर्शन करें, केवल यही बात है कि उन्होंने असभ्य का प्रयोग किया? जी हाँ, पुलिस विभाग के प्रति उन्होंने असभ्य शब्दों का प्रयोग किया और पुलिस विभाग जो देश की रक्षा करती है, मतलब बॉर्डर से लेकर यहाँ भी जनसेवा का काम करती है ना, उनके खिलाफ उन्होंने ऐसे असभ्य शब्दों का प्रयोग किया जो कि बहुत ही आपत्तिजनक था, जिससे हमने पुतला दहन करके उनका विरोध किया। अपना परिचय बताइए। जी, मैं नोमेंद्र साहू, खिंटक जिला कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है। समय न्यूज के लिए बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।